So hello dear students, we are here with a big update of CBSE about the curriculum of 22-23 academic session. So the curriculum has been given by CBSE and what updates are here, kya kya changes isme aaye hain. आपको एग्जाम दो पार्ट में देना पड़ेगा या आपको एग्जाम एक ही बार देना पड़ेगा, ये सारी चीजें, ये जो सारे आप लोगों के मन में क्वेश्चंस थे, उन सभी क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है. तो मैं राहुल सर को बताऊंगा, भाई राहुल सर आप बच्चों को इस बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि भाई बच्चों को एग्जाम कैसे देना है और क्या क्या अपडेट्स सीबीएसई ने दिए हैं. सर बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच. सो स्टूडेंट, सीबीएसई करिकुलम हैज बीन रिलीज्ड बाय द सीबीएसई. आज की डेट में देखो सर, आज का सर्कुलर है ओके April 21, 2022, सर्कुलर नंबर ओके ACAD 48/2022. बेसिकली अगर मैं बताना चाहूँ आपको इस पूरे सर्कुलर के अंदर को जो मेन बात है, ठीक है, सब्जेक्ट है सर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी करिकुलम 2022-23. सीबीएसई एनुअली प्रोवाइड करता है सर करिकुलम फॉर दैट 9th to 12th कंटेनिंग अकेडमिक कंटेंट्स, सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन विद लर्निंग आउटकम्स एक्सेट्रा. ये सारी चीजें हैं. जो बड़ी न्यूज है सर आपके लिए वो क्या है, वो सर देखिएगा. वो बेसिकली है सर कि इस बार जो टर्म वन के एग्जाम हुए थे, टर्म टू के एग्जाम हुए थे, ऐसा इस बार नहीं होगा. इस बार क्या होने वाला है, सीबीएसई ने कह दिया कि हम लोग सिंगल एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर मूव ऑन करने वाले हैं. द बोर्ड ओके विल कंडक्ट द एनुअल स्कीम. क्या सर, एनुअल स्कीम पे ध्यान देना, टर्म वन टर्म टू नहीं है, ऑफ असेसमेंट एट द एंड ऑफ द अकेडमिक सेशन 2023 एंड द करिकुलम हैज बीन डिजाइंड अकॉर्डिंगली. डिजाइन डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन द लिंक दिस. यही मेन काम की चीज है, इसके अलावा कोई भी काम की चीज नहीं है ओके. तो एक और खजाना बेसिकली सीबीएसई ने इसके अंदर दे दिया है, वो मैं शुभम सर को बुलाना चाहूंगा और शुभम सर बिल्कुल बताएंगे. शुभम सर बताएं एक बार कि क्या सरप्राइज बेसिकली सीबीएसई ने दिया है इस बार. बिल्कुल सर, जैसा कि सर ने आपको बताया कि एग्जाम आपको एक ही बार, मतलब जो एनुअल स्कीम है वो सीबीएसई ने लॉन्च कर दी है. लेकिन जब आप इस सिलेबस को खोल के देखेंगे ना, तो सिलेबस को जैसे ही आप खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ चैप्टर्स आपके डिलीट हो गए हैं, डिलीट हो चुके हैं. तो जब आप सब्जेक्ट वाइज अपने सब्जेक्ट को चेक करेंगे, कुछ इंग्लिश चेक करेंगे, कोई अकाउंटेंसी दिखेगा, कोई बिजनेस स्टडीज दिखेगा, कोई इकोनॉमिक्स दिखेगा, कोई मैथ्स दिखेगा, मतलब आप जब भी अपने सब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करना चाहेंगे तो जब सब्जेक्ट का सिलेबस आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सम चैप्टर्स recently have been deleted. बिल्कुल बच्चों. Okay. उतना deletion नहीं हुआ है जितना term one, term two के time पे हुआ था, लेकिन हाँ for sure new education policy के accordingly NCERT ने भी कुछ burden को कम किया है students के लिए. CBSE has also adapted the same thing and they have also designed their curriculum for the 2022-23 according to that. तो भैया थोड़ा सा relaxation मिल गया, आप आराम से अपनी slow pace के अंदर study कीजिए, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है. ये जो link दिया गया है, बिल्कुल इस link पे आप click कर सकते हैं. ये link आपको description में भी मिल जाएगा, ताकि आप जैसे इस पे click करेंगे तो आप सीधा CBSE की जो website है उस पे. So you will be getting the link for this PDF. इस notification का link भी आपको description के अंदर मिल जाएगा. एंड जैसे इस पीडीएफ को ओपन करेंगे तो दिस लिंक यू विल बी गेटिंग एंड यू विल बी रीडायरेक्टेड टू वन अनदर लिंक. तो जैसे ही हम क्लिक करने वाले हैं इसके ऊपर तो एक और लिंक पे आप क्या हो जाएंगे सर, रीडायरेक्ट हो जाएंगे. ऑलराइट, तो यहां से आपको सर मिल जाने वाला है सेकंड करिकुलम. सो दिस इज हाउ यू विल बी गेटिंग ओके. 11th 12th है, 9th 10th है ओके. सो इनिशियल पेजेस सपोज अगर मैं बताऊं आपको, सो दिस इज हाउ इट विल बी शोन ओके. सो ये देखिए सर, सो दिस इज द एंटायर करिकुलम आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है. सो ये चीज आपको पूरा के पूरा देखना है. सो दिस इज सीनियर स्कूल करिकुलम 2022-23, दिस इज हाउ यू कैन सी. लेकिन सर एक और चीज है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो तो हमारे उत्कर्ष के साथ इस कारवा में जुड़ चुके हैं अपनी 2022-23 की स्टडीज के लिए. बाकी बच्चों का क्या प्लान है सर? बाकी बच्चों से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो लाइव क्लासेस है वो 1st of May से उत्कर्ष ऐप में स्टार्ट होने वाली है, जो कंटिन्यूअस आपको हर दिन क्लास मिलने वाली है. तो जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं वो हाथों हाथ इस चीज़ का फायदा जरूर उठाएं और जो नया अपडेटेड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशंस को बूस्ट करना स्टार्ट करें. जैसा कि आप लोगों को पता है उत्कर्ष में जो फीचर्स हैं, सारे फीचर्स
हम लोगों ने पहले भी बताए हैं और अभी भी हम लोग आपको जरूर बताएंगे, ई नोट्स, क्विज, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो हम बात कर रहे हैं, सब कुछ आपको मिलने वाला है। इसके साथ ही जो न्यू कोर्सेज लॉन्च करने वाला है उत्कर्ष, उसका भी आप लोगों को फायदा उठाना है। भले ही आप सैनिक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप नवोदय में एडमिशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप मिलिट्री में स्कूल में एडमिशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर चीज के लिए आपको सर हर सेगमेंट में कुछ ना कुछ नया है, कुछ ना कुछ खास है। ओके, सो करिए अपनी तैयारी को उत्कर्ष के साथ सेशन 2022-23 के लिए, बिकॉज द क्लासेस फॉर इंग्लिश मीडियम आर स्टार्टिंग राइट फ्रॉम 1st मई। थैंक यू सो मच, बाय बाय।